हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एसयूआई। माय सेल्फ सलेन, टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर इज मोशन ऑफ फिजिक्स, क्लास 9th इन हिंदी मीडियम। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 4 है। चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं इससे पहले वीडियो के पार्ट 3rd में ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करा रहा हूँ, जो कि आपको पॉइंट सेकंड मैंने डाल के दिखाया हुआ है। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हमें किससे करना है? ग्राफी विधि से करना है। द्वितीय समीकरण, गति के समीकरण का ग्राफी विधि से निगम। तो आपको मैंने बताया है कि गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पर क्या है? विस्थापन है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। t क्या है? t हमारे पास समय है। ए क्या है? ए हमारा त्वरण है। ए हमारा क्या है? त्वरण है। टी हमारे पास क्या है? समय है। एस क्या है? दूरी है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। इस गति के समीकरण में आपको ग्राफी विधि से इसका निगमन करना है, जो कि ग्राफी विधि से व्युत्पत्ति ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार, मतलब जो मैंने आपको ग्राफ दिया था वो ग्राफ आपको ये है। ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया। ये डायरेक्शन क्या हो गई? एक्स हो गई। ये डायरेक्शन क्या हो गई? वाई हो गई। जो ग्राफ हमने गति के प्रथम समीकरण में लिया था वही सेम ग्राफ आप इस इक्वेशन में भी बना लेंगे। इसका पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? u, जो ये इसका वेग हो गया, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है और कहाँ पहुँचती है? पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर इसका वेग क्या होगा? v होगा। क्या होगा? v होगा। तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v और x अक्ष पर समय t। जब वस्तु ए से पॉइंट बी पर जाती है तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है, इस ग्राफ से हमें फाइंड करना है। तो आप इसी ग्राफ की विधि से इसे फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको लिखा है ऊपर के ग्राफ से, तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन सेकंड बता रहा हूं, तो इक्वेशन जो फर्स्ट में मैंने ग्राफ इससे पहले वाले पार्ट 3rd में जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर वाले ग्राफ को यूज़ करना है। तो आप जो 3rd वीडियो में आपका ग्राफ का फिगर है वही सेम फिगर आप इसमें भी बना लीजिएगा। चलते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आपका लिखा हुआ है कुल विस्थापन। क्या लिखा है? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल लेते हैं और ए बी डी का क्षेत्रफल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इस वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस का यू। हमें पता है इक्वेशन से v माइनस यू, आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम u को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू और इक्वल क्या आ जाएगा, ए टी। तो क्या हम v माइनस यू की जगह ए टी नहीं पुट कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो हमने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ टी और v माइनस यू की जगह हमने क्या रख दिया, ए टी। जिससे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एस बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से हम गति के सेकेंड इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके पास ग्राफ होता है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं उस ग्राफ को बताना चाहूँगा। जैसे कि जो आपके पास ग्राफ होता है उस ग्राफ को लेकर के आप सॉल्व करेंगे, और इस ग्राफ में जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, इक्वेशन फर्स्ट में जो ग्राफ यूज़ किया था उसी ग्राफ का आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो क्वेश्चन हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास तो सॉल्व हो गई इक्वेशन फर्स्ट के भी मैंने न्यूमेरिकल बता दिए थे आपको, अब इक्वेशन सेकंड के न्यूमेरिकल, इक्वेशन सेकंड के लिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है उन्होंने कि यदि एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी करता है, इस कछुए की औसत चाल में किलोमीटर पर हावर क्या होगी। जो इसकी औसत चाल है किलोमीटर पर हावर में क्या होगी, तो किलोमीटर पर हावर में क्या होगी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है ये नोट कर लेते हैं। तो आपको पता है ना, जब हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करना होगा तो हमें उल्टा लेना होगा 18/5। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड बनाते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर जाएंगे, हावर पर जाएंगे, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन में जो हमें दिया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले उन्होंने हमें दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है, दूरी। तो हम दूरी नोट कर लेते हैं। S बराबर हमको कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, 100 मीटर। कितना दिया है, 100 मीटर, नोट कर लेते हैं। फिर हमको कितना दिया है इन्होंने, 15 मिनट। तो इस 15 मिनट के लिए हमें T कितना हो गया, T बराबर कितना हो गया हमारे पास, 15 मिनट। तो 15 मिनट दिया हुआ है, क्या दिया है, 15 मिनट। तो 15 मिनट के लिए आप क्या करोगे कि जो आपको स्क्रीन पे दे रहा है